आगे बढ़ते हैं। मर्दमशुमारी पर सख्त तहफ्फुज़ात, एमक्यूएम के हंगामी इजलास में अहम फैसला सामने आ गया। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकीन असेंबली से इस्तीफे ले लिए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोर्डिंग नुमाइंदे रिजवान आहद खान से। रिजवान, मजीद क्या अहम फैसले किए गए राब्ता कमेटी के इजलास में? जी बिल्कुल, देखिए कमेटी का इजलास जो है वो अभी भी जारी है, कई घंटे से ये इजलास जारी है जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। खासतौर पर तमाम कौमी और सूबाई असेंबली के जो अरकान थे उनसे इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। वजह जो बताई जा रही है, कराची में मर्दमशुमारी जो की जा रही है उस पर तहफ्फुज़ात है एमक्यूएम के, और एमक्यूएम ने अब तमाम जो अरकान असेंबली थे उनसे इस्तीफे तलब किए हैं कि किसी वक्त भी एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो सकती है। क्योंकि एमक्यूएम का कहना यह है कि कई दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने यकीन दहानी तो कराई लेकिन अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और हमारे तहफ्फुज़ात जो है मर्दमशुमारी के हवाले से वो वैसे के वैसे ही है। तमाम अरकान असेंबली जो है वो इजलास में शामिल है, वो चाहे कौमी असेंबली के अरकान हो, सूबाई असेंबली के अरकान हो, अरकान राबता कमेटी हो, तमाम लोग जो है वो इजलास में शामिल है, और खालिद मकबूल सद्दीकी जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, और तमाम अरकान असेंबली से जो इस्तीफे हैं वो ले लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहद इन तफसीलात के लिए।